गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। सो वेलकम बैक टू योर क्लास स्टूडेंट। बेटा स्माइल करके देखा करो वीडियो, इतने सीरियस क्यों? इसमें कौन से पटाखे बजने वाले हैं? ठीक है, सो डेट इज 14 September 2021 एंड आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर 11। ओके, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? इंडिया आवर कंट्री। ओके, तो एक बड़ी शॉर्टकट में रिकैप्चुलेशन करते हैं, फिर टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ओके, यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट और उसके नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। इफ यू वांट टू लिसन इट अगेन यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो। सो देयर आर, ये क्या है? लैंड, बिग लैंड मासेस हैं, ठीक है, बड़े बड़े लैंड के टुकड़े हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट हैं, बड़े बड़े जमीन के 7 टुकड़े हैं बेटा, और बीच में क्या है? सब वाटर बॉडीज हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, और जब हम सारे कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो सारे कॉन्टिनेंट में जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ना बेटा, दैट इज द एशिया कॉन्टिनेंट एंड आवर कंट्री इज आल्सो इन द एशिया कॉन्टिनेंट। ओके, नाउ सी स्टूडेंट, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ आवर कंट्री इन द वर्ल्ड? दैट इज द 7th पोजिशन। ओके, उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, दीज आर द डायरेक्शन विच यू सी ऑन द मैप। इन द मैप ऑलवेज द टॉप डायरेक्शन इज ऑफ द नॉर्थ एंड बॉटम इज द साउथ, एंड इफ यू सी हियर दिस हैंड, लेफ्ट हैंड साइड इज द वेस्ट एंड राइट हैंड साइड इज द ईस्ट। सो इन दिस मैनर यू कैन सी द डायरेक्शन। ओके, आफ्टर दैट वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ आवर कंट्री। सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स, सो दे आर 28 states. In if you having a new book, then it is given 28, and if you having a old book, then it is given 29. So now the number of states are 28 because Jammu Kashmir is now in the Union Territory. Okay. So now let us discuss about the state. से start करते हैं, ठीक है बेटा? What is the states? सारी states में अपना elections होता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, पार्लियामेंट, तो इलेक्शन ये सब होता है, और सारे स्टेट का जो हेड होता है उनका, स्टेट का जो बनता है सीएम, चीफ मिनिस्टर बनता है, ठीक है। तो इंडिया के 28 स्टेट्स हैं, सबके अपने अपने चीफ मिनिस्टर हैं, दे लुक आफ्टर द नीड ऑफ द पीपल इन दैट स्टेट। उस स्टेट के लोगों की जो बेसिक फैसिलिटी है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, क्लोथ, एजुकेशन, जो बेसिक नीड हर किसी को अपने लाइफ के लिए चाहिए। फैसिलिटी को हम बेसिक नीड नहीं कह सकते, जिसके पास बहुत पैसा होगा उसके हर घर कमरे में एसी होगा, वो दूसरी चीज़ है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो अगर आप ह्यूमन बींग्स हो, हर किसी को चाहिए। जैसे आपको हेल्दी फूड चाहिए ही चाहिए, आपको हाउस चाहिए ही चाहिए, आपको क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर क्लीन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। कुछ लोग हैं उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा गरीब हैं कि वो अपने बच्चों को भी फीड नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के बच्चों के लिए स्कूल्स भी होने चाहिए। तो ये सब जो बेसिक नीड्स है ताकि उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, इज इट क्लियर? तो ये सारी की सारी बेसिक नीड्स देखने का काम किसका है बेटा? चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। ओके, एंड इवन द गवर्नमेंट विच इज इन द सेंट्रल, जो कि आपकी सेंट्रल में कौन है? दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया, जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल की होगी। हाँ, वो सब स्टेट्स के, स्टेट्स की क्या करती है? हेल्प करती है, ठीक है। तो ये छोटा सा हो गया स्टेट में, क्योंकि ज़्यादा है नहीं। स्टेट क्या होती है और यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, पार्लियामेंट क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, दिस ऑल थिंग्स विल कम इन द चैप्टर व्हेन आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 16-17। सो इन दैट वी विल डिस्कस इन द डिटेल, हियर जस्ट शॉर्ट डिस्कशन वी हैव डन। ओके, यस्टरडे we are talking about the union territory. Okay, now I started with the union territory. So first one is the Delhi. Okay, first one is the Delhi. So why our countries, you know that the capital of our country is Delhi, so why it is come in the category of a union territory? So what is the purpose uska kya tha na beta ki Delhi hai pure pure hamare country India ko represent karti hai, kyunki puri country ki capital hai, theek hai। तो इसलिए हमने सोचा कि अगर हम इसको किसी पार्टिकुलर स्टेट के संग जोड़ देंगे तो वो उसके लिए ज़्यादा हो जाएगा कि अरे ये
दिल्ली है इंडिया की और जो पार्टिकुलर इस स्टेट की है, लेकिन वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको पूरे देश को देखना है, ठीक है, उसको हर स्टेट के लोगों के लिए वेलफेयर के लिए वर्क करना है, तो डैट इज़ द रीज़न इसे सारी स्टेट से अलग रखा गया, ठीक है, तो डैट इज़ द रीज़न दिल्ली इज ऑल्सो ए वट यूनियन टेरिटरी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेकेंड वन इज द अंडमान, ठीक है, अंडमान और निकोबार, ठीक है, ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि कल हमने ये डिस्कस कर लिया था, तो हम इसको फास्ट रिकैप्चुलेशन करेंगे, ठीक है, अंडमान निकोबार एंड पोर्ट ब्लेयर इज दिस, पोर्ट ब्लेयर इज इट्स कैपिटल, ठीक है, और ये कब बना था 1956 में यूनियन टेरिटरी बनाया था, ओके। थर्ड पॉइंट इज द लक्षद्वीप, लक्षद्वीप एंड करावती इज इट्स कैपिटल एंड व्हेन इट बिकम्स अ यूनियन टेरिटरी इट इज आल्सो इन 1956, ओके। देन फोर्थ इज द पुडुचेरी, पुडुचेरी एंड इट्स कैपिटल इज पांडिचेरी and it is when it come a union territory 1962. First of all I write all the name of union territory, then I one by one we will discuss. Fifth is the Chandigarh, Chandigarh, okay, its capital is also Chandigarh, Chandigarh capital is also Chandigarh and when it becomes 1966 it becomes a union territory. Six is the Ladakh, Leh is the capital and when it becomes union territory just 2 years before 2019. Seventh is the Jammu Kashmir, Jammu and Kashmir okay, श्रीनगर एंड जम्मू बोथ आर द कैपिटल, ये भी रीजन मैं बता दूंगा, श्रीनगर एंड जम्मू, ठीक है, एंड व्हेन इट बिकम्स इन 2019 एट द सेम टाइम व्हेन लद्दाख बिकम अ यूनियन टेरिटरी एंड एट वी हैव रिटन दादर, दादर नगर हवेली, हवेली दादर नगर हवेली एंड दमन, दमन एंड दमन एंड दीव, ठीक, सो Now, now अब देखो, ठीक है, अब देखो कि ये दिल्ली का तो मैंने रीजन बता दिया, ठीक है, दिल्ली का रीजन बता दिया, भाई पूरे देश की कैपिटल है इसलिए किसी एक स्टेट से नहीं जोड़ा जाए इसे, तो क्योंकि इसके लिए सारी स्टेट एक जैसी होनी चाहिए, दैट इज दिल्ली बिकम द यूनियन टेरिटरी, सो ओके। नाउ अंडमान निकोबार, इट्स कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर, व्हाई इट बिकम यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार, देखो ये एक ऐसा, ये दिस इज लैंड का ऐसा टुकड़ा है जो कि चारों तरफ से किससे सराउंडेड है बेटा, वाटर से, ठीक है, इट इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड विद द वाटर, सो इसकी लक्षद्वीप की किसी भी दूसरे स्टेट से क्या है लैंड बाउंड्री है ही नहीं, और इनके रीति रिवाज और जो कल्चर्स हैं दूसरे लोगों से बिल्कुल डिफर है, तो दैट इज द रीजन इनको अलग ही रखा गया। इन द सेम मैनर लक्षद्वीप का भी यही हाल है,
इट इज ऑल्सो आईलैंड, इट इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल द फोर साइड, ऑल द साइड इट इज सराउंडेड विद द वाटर एंड देयर कल्चर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर एंड देयर इज नो लैंड बाउंड्री ऑफ दिस लक्षद्वीप विद एनी स्टेट्स के संग, इसकी कोई लैंड बाउंड्री वाउंड्री नहीं थी और ये साइज में, क्षेत्रफल में, मतलब साइज में भी कम थे, इसलिए इनको अलग ही यूनियन टेरिटरी में रख दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर आ गया पुडुचेरी। पुडुचेरी में भी यही था, यहाँ भी उतना ज़्यादा नहीं ये था, और यहाँ की मेन क्या है, लैंग्वेज की वजह से, लैंग्वेज और कल्चर की वजह से इसको भी किसमें रख दिया, पुडुचेरी को भी यूनियन टेरिटरी रख दिया। ठीक है, अब आ जाओ चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ है। ठीक है, अब चंडीगढ़ के संग देखो पॉलिटिकल रीजन हो गया था। ठीक है, चंडीगढ़ का यूनियन टेरिटरी बनने का कारण पॉलिटिकल रीजन था। जब पार्टीशन हुआ पंजाब का, ये पॉलिटिकल रीजन था, जब पंजाब का पार्टीशन हुआ तो दो स्टेट्स बनी, दैट इज हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। वंस अपॉन ए टाइम हिमाचल प्रदेश इज द पार्ट ऑफ द पंजाब, लेकिन अब जब पंजाब का पार्टीशन हुआ तो उसमें से दो स्टेट आई, एक हरियाणा आई और एक क्या आई, पंजाब आ गई। अब यहाँ देखो पॉलिटिकल रीजन हो गया पार्टीशन, पंजाब हरियाणा और हिमाचल में जब हुआ, और ये कब हुआ था, सेपरेटेड ये बनी थी यूनिटेड 1966 में। अब जब ये पार्टीशन हुआ तो अब चंडीगढ़ जो बहुत डेवलप था, तो अब पंजाब वाले भी चाहते थे कि उनकी जो है क्या कहते हैं, उनकी कैपिटल चंडीगढ़, हरियाणा वाले भी चंडीगढ़ चाहते थे, दोनों में पॉलिटिकल विवाद हो गया, वो भी चाहते थे चंडीगढ़ हो, ये भी चाहते थे चंडीगढ़ हो, इसलिए चंडीगढ़ को क्या कर रख दिया यूनियन टेरिटरी में, ताकि पंजाब के लोग, स्टेट के लोग भी भाई खुश रहें और हरियाणा के लोग भी, तो इसलिए इसको हटा के क्या कर दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। और लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये तो पहले स्टेट थे, ये स्टेट थे, अब इसको भी, जम्मू कश्मीर को भी ले, इस किस में ला दिया, और ले तो कैपिटल इसकी, इन दोनों को भी यूनियन टेरिटरी में ला दिया। ठीक है, अब दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, ये अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे पहले, पहले ये सेम नहीं थे बेटा, ये अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे, एक था दादर नगर हवेली और दूसरा था दमन दीव, लेकिन बाद में इनका जो एरिया है, एरिया वाइज ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो इनको क्या किया, इन दोनों को मर्ज करके एक कर दिया और इसे भी यूनियन टेरिटरी में कर दिया। सो दीज आर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ आवर कंट्री, 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज आर इन आवर स्टेट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा तो ऑनलाइन क्लास में यू आस्क मी, आई एक्सप्लेन यू वंस अगेन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनियन टेरिटरी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, यूनियन टेरिटरीज तो हो गई, अब मैंने बोला कि सारी स्टेट्स में बेटा अपने अपने चीफ मिनिस्टर्स होते हैं एंड दे वर्क फॉर द वेलफेयर। ठीक है, दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ठीक है, दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। तो अब इन यूनियन टेरिटरी को कौन देखेगा, ये भी तो क्वेश्चन अराइज हुआ, भाई स्टेट के लिए तो आपने सीएम बना दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी हेल्प करेगी, क्या करेगी, उसकी हेल्प करेगी। ठीक है, अब ये जो यूनियन टेरिटरीज बन गई, जो सबसे अलग हो गई हैं, तो और सबसे बड़ी बात, इनके अलग होने का रीज़न ये भी था कि ये छोटे छोटे, मतलब बहुत बड़ा लैंड बाई लैंड, ये बहुत बड़े एरिया नहीं थे, तो इनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि ये अपने लोगों की वेलफेयर के वर्क लिए वर्कआउट कर सकें। ठीक है, ये छोटे छोटे लैंड थे, इनके पास इतना मनी भी नहीं है कि ये अपने से, जैसे हर स्टेट डिफरेंट टैक्सेस लेती है, हम यूपी में रहते हैं, हर चीज़ का हम टैक्स देते हैं, वाटर का देते हैं, हाउस रेंट देते हैं, ऐसे कर करके हम लोग बहुत से टैक्सेस पे करते हैं, और हमारी गवर्नमेंट इतनी कैपेबल है कि वो इतना मनी भी कलेक्ट कर लेती है अपने अपनी स्टेट में रहने वाले लोगों से कि उनके वेलफेयर में वो उसको क्या कर सके बेटा, यूज़ कर सके। तो ये यूनियन टेरिटरी लैंड वाइज भी स्मॉल थी और इनके पास इतनी रिसोर्सेज भी नहीं थी, ना तो इतना ज़्यादा मनी थी जिससे कि ये अपने लोगों के वेलफेयर में काम कर सकें जैसे अदर स्टेट्स करती हैं, क्योंकि सारा वेलफेयर का काम जैसे यूपी है, यूपी से जितने टैक्सेस ये सब लेती है उन सबसे पूरा करती है, और फिर कुछ और हेल्प की जरूरत होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन अब यूपी पूरा ही सेंट्रल से बोले कि आप पैसा दो तभी मैं अपने लोगों का कुछ कर सकता हूँ, तो ऐसे गवर्नमेंट चलेगी, नहीं चलेगी।
इन जो जूनियर टेरेटरीज है इनमें से कुछ जैसे ये आप लोगों को कौन अभी लास्ट में बताई, दादर नगर हवेली और ठीक है, दादर नगर हवेली और एक और बताई थी ना उसके संगे दमन एंड दीव, ठीक है, और लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार, ये सब जगह ऐसी थी, लैंड वाइज भी कम थी और इनके पास इतने रिसोर्सेज और मनी नहीं थे। तो अब बेटा जब सबसे ये अलग हो गए अब कौन इनको देखेगा, तो बेटा इनके ऊपर सारे रूल रेगुलेशन वो चलते हैं जो सेंट्रल में होते हैं, जो आपके दिल्ली में, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब देखो भाई बाकी सारी स्टेट्स के पास पैसा था तो चीफ मिनिस्टर बना दिए सबके, वो अपने अपनी स्टेट को देख रहे हैं, हाँ कुछ हेल्प की जरूरत होती है तो सेंट्रल उनकी हेल्प कर देती है, ठीक है। अब देखो ये जो 7 यूनियन टेरिटरीज बन गई, अब ये सीधे किसके अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, सेंट्रल में जो भी रूल्स और लॉ बनाए जाएंगे लोगों के वेलफेयर के, उनके बेसिक नीड के लिए जो भी बनाए जाएंगे तो रूल्स ये सब जो भी होंगे, तो वो सारे इन स्टेट्स में यूनियन टेरिटरीज में सेंट्रल की ओर से सारी चीजें काम चलती हैं, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, यूनियन टेरिटरी का, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, ओके। सो अब यूनियन टेरिटरी क्या है, ए यूनियन टेरिटरी, यूनियन यूनियन टेरिटरी इज ए टाइप ऑफ, इज ए टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन डिवीजन गवर्न बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाई द सेंट्रल सेंट्रल बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरी क्या है, यूनियन टेरिटरी, ए यूनियन टेरिटरी इज अ टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इंडिया के जो कैपिटल में जो आपके सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है वहां जो रूल और लॉज बनाए जाते हैं और पीपल के वेलफेयर के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, तो वे सब थिंग्स इन स्टेट्स में भी, अरे इन सॉरी स्टेट, इन यूनियन टेरिटरीज में भी फॉलो होती है, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द यूनियन टेरिटरीज के लिए काफी डिस्कशन हो गया, और अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है बेटा, आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप लोगे, अभी मैं डायरेक्टली पॉलिटिकल बोल दे रहा हूँ क्योंकि अभी आगे के चैप्टर आएंगे जहाँ पूरे मैप पे डिस्कशन है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैप्स दे आर कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया और थीमेटिक मैप ऑफ इंडिया, तो वहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी फर्दर जो इससे नेक्स्ट 15 या 16 चैप्टर में, ठीक है, तो इसकी डिस्कशन हम वहां कर लेंगे क्योंकि वहां ये बिल्कुल डिटेल में दिया है, यहां डिस्कस करने लगे तो टॉपिक से हम अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो आपको एक काम करना है बेटा, मार्केट से आप जाओगे 3-4 पॉलिटिकल मैप ले लोगे, ठीक है, आपको अपनी कॉपी में 28 स्टेट्स के नाम लिखने हैं और यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ देयर कैपिटल, ठीक है। सो व्हाट इज अ होमवर्क फॉर यू, यू राइट द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स, एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट इसकी आप जम के प्रैक्टिस करोगे। इसका एक ही मेथड है बेटा, रोज 4 स्टेट्स लो और उनकी कैपिटल, आप एट ए टाइम 28 सोचोगे, वन दिन में कर लोगे, आप स्लोली स्लोली करो, ठीक है, डेली मैं 4 बोल रहा हूँ, अगर आपकी कैपेबिलिटी 4 की नहीं है तो आप 2 स्टेट्स लो, 2 कैपिटल लो, और डेली यू सी दिस थिंग इन योर मैप, आप मैप पे देखो वो स्टेट कहाँ है, वहां से एकदम देख के लिखो,
ऐसा आप 15-20 डेज करो टू टू स्टेट ऑफ कैपिटल को लेके, ठीक है। फिर उसके बाद आप विदाउट सीइंग द बुक अब लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि डेली जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको अपने मैप में पता चल जाएगा कि किस स्टेट में कौन सी स्टेट है, कौन उसकी कैपिटल है, और ये भी आपको पता चलेगा कि उस स्टेट की बेटा बाउंड्री किस अदर स्टेट से है। तो दिस यू हैव टू वर्क आउट, और ये आएगा आपको प्रैक्टिस से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।